राजस्थान में अशोक गहलोत के सरकार पर मंडरा रहा संकट अब हटता हुआ दिख रहा है। सोमवार के दोपहर अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और सचिन पायलट के सभी दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में हर किसी की नजर इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल CBSE 12वीं की परीक्षा में 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें दिल्ली जोन में 94.39% रिजल्ट रहा है। CBSE 12वीं कक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा। इस साल CBSE 12वीं में स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा है। पिछले साल कुल 83.40% स्टूडेंट्स पास हुए थे। सूत्रों के अनुसार अमिताभ और अभिषेक ट्रीटमेंट को अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। दूसरी तरफ बच्चन फैमिली के 4 सदस्य के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद के स्टाफ मेंबर्स का भी कोविड टेस्ट हुआ है। बच्चन परिवार के घर पर मौजूद सभी स्टाफ कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। कुल 54 लोग बच्चन फैमिली के संपर्क में आए थे। रविवार को 28 क्वारंटाइन किया गया, जबकि 6 हाई रिस्क पर थे। विधान परिषद विधायक व नगर सेवक प्रवीण दटके द्वारा नगर रचना विभाग के अधिकारी प्रमोद दावड़े को गाली गलौज करने का मामला सामने आया, जिसका विरोध करते हुए NMC के कर्मचारियों द्वारा कलम बंद आंदोलन किया गया। शहर में एक और हत्या का मामला सामने आया है। रविवार को कलमनाथ थाना क्षेत्र के कलमनाथ रूट लाइन पर एक व्यक्ति जख्मी अवस्था में पड़ा दिखा। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कलमनाथ पुलिस ने पहले तो इस मामले को आकस्मिक मौत दर्ज कर दिया था। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में इसका संक्रमण थमता नहीं दिख रहा। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में यहां 7,827 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 2,54,427 हो गई है। महाराष्ट्र में COVID-19 की दवा लेने के लिए आधार कार्ड और टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य, खाद्य एवं औषधि प्रशासन राजेंद्र शिंगणे ने कहा। हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति में दवाएं हैं, लेकिन दवाओं की मांग बढ़ गई है। हमें शिकायत मिली है कि दवाएं कालाबाजार में बेची जा रही है। हम कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। मुंबई में धारावी झुग्गी झोपड़ी कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए वैश्विक रोल मॉडल के रूप में उभरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिली प्रशंसा के परिप्रेक्ष्य में यह बात शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही। ICAI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि कोरोना के बढ़ते मामले के चलते जुलाई और अगस्त के बीच होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पिछली सुनवाई में CA छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और कोर्ट ने ICAI कहा कि कोरोना वायरस के कारण छात्रों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति देने की तारीख बढ़ाई जाए। छात्रों ने ICAI को ईमेल कर परीक्षा के बीच गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इसकी जानकारी देते हुए PM मोदी ने कहा कि हमने कई विषयों पर बात की, विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ देने के मसले पर अच्छी चर्चा हुई।